दोस्तों आज हम बिहार स्थित 10 ऐसे पुलों के बारे में बताने वाले हैं जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़े पुलों में गिने जाते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप ऐसी ही जानकारी एवं रोजाना ताज़ा खबर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो घंटे उसे दबाइए। नंबर 10, राजेंद्र सेतु। इसकी कुल लंबाई 2000 मीटर है। यह मूल बिहार के दो हिस्सों को जोड़ने वाला पुल है। इसका निर्माण 1959 ईस्वी में किया गया था। नंबर 9, नेहरू सेतु। नेहरू सेतु एक रेल पुल है जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुल है। जब इसे बनाया गया था यह भारत का सबसे बड़ा रेल पुल हुआ करता था। यह सोन नदी पर स्थित है जिसकी लंबाई 3059 मीटर है। नंबर 8 पे आता है जवाहर सेतु। इसकी कुल लंबाई 3061 मीटर है। 1965 ईस्वी में इसे गैमन इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। नंबर 7 पे आता है श्री कृष्ण सेतु या मुंगेर गंगा सेतु। इसकी कुल लंबाई 3692 मीटर है। यह गंगा नदी पर स्थित है। यह पुल को 12 मार्च 2016 को चालू किया गया। नंबर 6 पे आता है आरा छपरा सेतु या वीर कुंवर सिंह सेतु। इस पुल की कुल लंबाई 4350 मीटर है। यह पुल 4 लेन है। यह पुल 11 जून 2017 को आम जनता के लिए खोल दिया गया। नंबर 5 पे आता है दीघा सोनपुर सेतु। इसे जेपी सेतु भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 4556 मीटर है। यह पुल 3 फरवरी 2016 को आम जनता के लिए खोल दिया गया। विक्रमशिला सेतु। विक्रमशिला सेतु भारत का 5वां सबसे बड़ा पुल है। इसकी लंबाई 4700 मीटर है। यह पुल 2001 में शुरू हुआ था। तीसरे नंबर पर आता है बख्तियारपुर ताजपुर सेतु। इस पुल की कुल लंबाई 5575 मीटर है। 2011 में इसका निर्माण शुरू हुआ है जिसे 2020 तक पूरा करना है। दूसरे नंबर पर आता है महात्मा गांधी सेतु। यह पुल भारत की दूसरा सबसे बड़ा पुल है जिसकी लंबाई 5750 मीटर है। यह पुल गंगा नदी पर स्थित है। यह पुल 1972 ईस्वी में बनना शुरू हुआ जो 1982 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया। नंबर 1 पे आता है कच्ची दरगाह बिदुपुर सेतु। इसकी लंबाई 9.76 किलोमीटर है। यह पुल अभी निर्माणाधीन है जिसे 2021 तक पूरा करना है। बनने के बाद यह पुल भारत का सबसे लंबा पुल होगा। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।